आने वाले समय में फरीदाबाद जिला कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 1600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसमें 1200 करोड़ रुपए शहर को जोड़ने के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के लिए खर्च किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने दी। वह स्थानीय सेक्टर 16 के सामुदायिक भवन में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। किशन पाल गुर्जर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का सर्वे कर लिया गया है। जिन किसानों की जमीन इस प्रोजेक्ट में प्रयोग की जाएगी उनसे बातचीत करके जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने कहा है कि इसके लिए सरकार द्वारा लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। इस राशि में से 400 करोड़ रुपए की राशि केजीपी से फरीदाबाद शहर की सीधा कनेक्टिविटी के लिए और 1200 करोड़ रुपए की राशि से भूमि अधिग्रहण का काम किया जाएगा। शहर को केजीपी से जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए काफी समय से लोगों की मांग भी की जा रही थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर कहा था कि फरीदाबाद शहर की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी नहीं है। इससे लोगों को ईपीई तक पहुंचने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फरीदाबाद बाईपास से शुरू होकर छायसा गाँव के पास ईपीई का इंटरचेंज के अंतिम छोर तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जरूरत है। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एनएचएआई को तत्काल इस पर काम करने का आदेश दे दिया था। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।